हरियाणा के चरखी दादरी में गेट व ग्रिल बनाने के संस्थान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड कर्मियों ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होते ही आग लग गई थी, जिस कारण से करीब 7 सिलेंडर मौके पर ही फट गए। आग लगने के बाद धमाके होने लगे। आस पड़ोस के दुकानदार अचानक हुए धमाके से सहम गए और सभी ने अपने स्तर पर पानी डालना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि आस पड़ोस की दुकानों तक आग की लपटें पहुंचने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया। सूचना पाकर कुछ ही देर बाद 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर पानी डालकर करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। जिस समय संस्थान में आग लगी उस समय वहां 50 LPG गैस से भरे हुए सिलेंडर रखे थे। आग लगती देख वहां काम कर रहे 10 कर्मचारी तुरंत बाहर भाग गए। इसके बाद आग ने LPG गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण से 7 सिलेंडर बारी बारी फटे और जिनका धमाका दूर तक सुनाई दिया। सिलेंडर फटने के बाद तो पूरे सामान में ही आग लग गई। अगर इस दौरान कर्मचारी सामान बचाने के चक्कर में लग जाते तो वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। एक ही जगह पर 50 गैस सिलेंडर और काफी ज्यादा मात्रा में प्लाई और स्टील होने के साथ वहां प्लाई की पॉलिश का केमिकल भी रखा था। आग फैल ना जाए इसीलिए फायर ब्रिगेड ने पहले अन्य दुकानों की दीवारों के साथ लगी आग पर ही पानी डालना था, ताकि आगजनी से बिल्डिंगों को नुकसान ना पहुंचे। आपको यहां यह भी बता दें कि आगजनी की घटना होते ही आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचित कर दिया था। इसके बाद खुद दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग पर पानी डालकर आग को भजाने का प्रयास किया, लेकिन आग सिलेंडर फटने के बाद कोई भी नजदीक नहीं आया। ऐसे में कुछ देर बाद 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बताते चले कि आग लगने की सूचना पाते ही हमारी टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। आग ज्यादा थी और करीब 6 से 7 गैस सिलेंडर भी फटे थे, इसीलिए जान की हानि भी हो सकती थी। ऐसे में भीड़ को भी दूर कर दिया था और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के साथ मिलकर आग बुझवाई गई। वोल ट्रेडिंग कंपनी में आग लगी हुई थी। हमारे पास मैं जिस पूछा कि जबरदस्त आग लगी हुई है। दमकल विभाग के कर्मचारी तीन गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे, बड़ी मकसद से आग पर काबू पाया। 15 सिलेंडर आग में फट चुके हैं। जो सिलेंडर है वो कौन से मिले हैं यहाँ पे? छोटे और बड़े सिलेंडर हैं। बहुत बड़ा रिक्स उठाया है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने। अंदर घुस के सिलेंडरों फटते हुए सिलेंडरों के पास घुस के आग पर काबू पाया है। किस चीज की फैक्ट्री है ये? स्टील की है जी। तो आग कैसे लगी हुई पता? गेट वगैरह करके बनाते हैं। आग कैसे लगी महसूस हो रही है? आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं जी। तो अभी जब आप लोगों ने आग पे काबू पाया है तो क्या नॉर्मल पानी से ही या फोम वगैरह भी यूज़ करते हैं? डाला है जी, चेक करनी जी। चेक करनी, फोम डाला। आग इतनी भयंकर थी पानी से काबू नहीं आया आग पर। फोम डाला, तीनों गाड़ियों में 2-2 जरिकन फोम के डाले गए हैं जी। और सिलेंडर फटते रहे और कर्मचारी आग पर काबू पाते रहे। लगभग कितने सिलेंडर फटे हैं? 15 15 सिलेंडर फट चुके हैं। तो इसमें कोई हताहत भी हुआ है क्या? हताहत तो नहीं हुआ जी कोई। काफी लोगों को आग लगी हुई दिखाई दे रही थी कुछ वीडियोस में। भीड़ बहुत ज्यादा थी यहाँ पे जी बाहर। तो जो कार्य कर रहे थे जो लोग यहाँ पे, उनको कोई किसी को चोट लगी है? नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन सिलेंडर बहुत फटे। बहुत जबरदस्त धमाका हो रहा था हर सिलेंडर का, बहुत ऊपर हाइट पर उठ रहा था मलबा जी। तो फायर ब्रिगेड को जब सूचना मिली तो कितनी देर में पहुंच चुके थे? फायर ब्रिगेड की गाड़ी जी कम से कम 4 मिनट के आसपास, बहुत तेजी से आए हम। शॉर्ट सर्किट से और गैस सिलेंडर में आग लगी जी। तो अचानक से जब आग लगी तो धमाके होने शुरू हो गए थे क्या? बहुत ज्यादा धमाके हुए जी। जो सिलेंडर फटने के बाद आग के गुब्बारे उठे जी। तो फायर ब्रिगेड को किसने सूचना दी थी? यही काफी आदमी खड़े थे, उन्हें दी थी जी। तो फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच गई? हाँ, टाइम से पहुंच गई। तो अभी किसी को चोट लगी हुई पता चला? किसी को चोट नहीं लगी? आसपास भी कोई नुकसान हुआ है? आसपास कोई नुकसान नहीं है। ये बराबर में नहीं, बराबर वाली दुकान में भी कोई नुकसान नहीं है। स्टील का पाइप यहाँ पे सेल होया करता, ट्रेडिंग कराया करते जी। तो बहुत सारे सिलेंडरों का भी यूज होता दिखाई दे रहा है, तो वो सिलेंडर क्या था? जिसमें आर्गन के सिलेंडर होते हैं जो कि स्टील के अंदर यूज होते हैं जी। आर्गन सिलेंडर से कटिंग होती है स्टील की जी। वो आर्गन सिलेंडर थे और यहाँ पे 3 आदमी काम कराया करते हैं। इनके लिए किचन थी यहाँ पे। उस किचन के अंदर 1 सिलेंडर था या 2 सिलेंडर थे, उसके अंदर क्या लेबर 1 आदमी अंदर था, शॉर्ट सर्किट हो गया, उस वजह से ये आग लगी। वो 2 सिलेंडर फटे नहीं फटे हमने उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। और जो 5-4 सिलेंडर थे वो खाली पड़े थे यहाँ पे, उन सिलेंडरों का क्या रहा क्या नहीं रहा
अंदर तो हम अभी गए नहीं यहाँ जी, बाहर से देख रहे हैं, सारी पब्लिक ने बाहर से ही देखा है जी। अंदर गाड़ियाँ भी जो थी वो किस तरीके से निकाली हैं? गाड़ियाँ क्या थी, शॉर्ट सर्किट होया, पता चल गया अंदर यहीं बैठे थे सब। फाइबर शीट रखी थी, और फाइबर शीट का भी यहाँ पे का स्टील होता है, स्टील के अंदर फाइबर शीट भी लगती है गेटों के लिए जी। और ये फाइबर स्टील तो एक किस्म का पेट्रोल जैसी होती है, उसके अंदर भी आग, वो फाइबर शीट आग पकड़ेगी, उससे आग ज्यादा काला धुआं हो गया जी। इस वजह से ये आग लगी। तो किसी को चोट भी लगी है क्या? कोई आदमी अंदर नहीं था, जो दुकान के मालिक थे वो बाहर निकल चुके थे, उसकी पर्सनल गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने वो भी अपनी बाहर निकाल ली थी, और कोई आदमी वर्कर कोई अंदर नहीं था। तीन आदमी दिवाली की वजह से सबकी छुट्टी कर रखी थी, और कोई आदमी नहीं था यहाँ पे, और किसी भी दुकान मालिक के या और कोई जन की कोई हानि नहीं हुई है। पुलिस को सूचना दी है आप लोगों ने? पुलिस को सूचना तुरंत दे दी गई थी, पुलिस हमारे पास यहीं पे मौके पर ही खड़ी रहती है, उसको पब्लिक ने तुरंत बुला लिया गया था, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था, एम्बुलेंस में 5-7 मिनट लगे थे, एम्बुलेंस आ गई 15-20 मिनट या आधे घंटे में, जो भी कंट्रोल उनसे हुआ वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। क्या किसी को चोट भी लगी है? किसी को चोट नहीं लगी, कि कोई चोट कर लिया तो अंदर था ही नहीं, चोट किसके लगेगी जी, अंदर कोई आदमी नहीं था इसके अंदर। तो अभी क्या कुछ आप लोग आगे की कार्रवाई चाह रहे हैं? आगे की कार्रवाई क्या चाह रहे हैं जी, स्टील का काम कर रहे थे, हमने अंदर देखा ही नहीं, अगर कुछ भी हो गया तो भगवान की मर्जी है, कार्रवाई भगवान के आगे किसकी पेश जाएगी, किसी इंसान ने तो कराया नहीं, नहीं तो किसी ने, कोई पब्लिक ने कराया नहीं, किसी इंसान ने कराया, हम कार्रवाई क्या चाहेंगे इसके बारे में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.